थैंक यू सो मच जिया फॉर हैविंग मी ऑन योर लवली शो एंड यू लुकिंग लवली टुडे. और इस कन्वर्सेशन को आप शुरू करते हैं. सो एनी क्वेश्चंस यू हैव Yeah, फॉर मी? sure, sure. So, thank you so much for being on my chat with Jia Show, Anu, थैंक यू सो and मच. I'm so impressed by you. You are wow, Miss India Australia 2020. Yeah, all the viewers will just give you like थैंक a minute यू of clapping. So, श्योर. थैंक यू सो मच yeah, जिया. how did that happen? कैसे हुआ? कैसे आपने सोचा? क्या हुआ? जी तो शुरुआत तो मेरे होम टाउन से ही हुई थी. लाइक यू नो, जब मैं छोटी थी, मैं आई एम बोर्न इन गोरखपुर, जो कि एक छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश में, एक स्टेट है इंडिया का. तो वहां पर लाइक यू नो, एक एक रोज था और मैंने अपनी मम्मी को बोला उस टाइम पे कि मैं ना मॉडल बनना चाहती हूँ. एंड आई रिमेम्बर द रिएक्शन. आई मीन यू कैन टेक द आई गेसेस, कैन लाइक इमेजिन. इन पाकिस्तानी पेरेंट का रिएक्शन क्या होगा. लाइक यू नो, चप्पल वॉज फ्लाइंग ओवर मी. सो टाइम था और लाइक यू नो, आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं और नॉर्मल जॉब करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच कैन हैपन. और स्मॉल टाउन की जो लड़कियां होती हैं, दे कैन रिलेट टू मी. सो उसके बाद लाइक यू नो, आई स्टार्टेड माई स्टडी एंड फिर मैं गोरखपुर से दिल्ली मूव हुई अपनी मासी के पास. वहां से फिर मैंने बैंगलोर का रुख लिया. वहां मैंने जॉब की, पढ़ाई की, एमबीए किया मैंने वहां पर. तो जब मैंने जॉब में थोड़ा थोड़ा मैं सेटल हो रही थी, तब मैंने लाइक यू नो, तब मेरा दिमाग में ख्याल आया कि चलो ठीक है, नाउ आई कैन स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ मॉडलिंग. जो मेरा लाइक यू नो, एक अंदर दबा हुआ था पैशन. वो पैशन, वो हल्का हल्का फूट के फिर बाहर आने लगा कि चलो ठीक है, अब व्हेन पढ़ाई भी हो गई, चलो माँ बाप भी खुश हैं और जॉब भी पैसे आ रहे हैं ठीक ठाक, तो अब मॉडलिंग करते हैं थोड़ा बहुत. तो 2016 का वो साल था जब मैंने मिस डीवा यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था. बैंगलोर सिटी में हुआ था वो इंडिया के. और वहां पर लाइक यू नो, मैंने काफी मेहनत करके लाइक पूरी जिम ज्वाइन किया मैंने अपने आप को. लाइक आई वॉज अ बिट ओवरवेट, तो वहां मैंने अपनी पूरी बॉडी टोन करना, वॉक प्रैक्टिस करना, जो मुझे वहां पर वॉक करना था, जो भी था, मतलब काफी डाइट कंट्रोल किया मैंने सब कुछ. फिर वहां पर लाइक यू नो, मैंने पार्टिसिपेट किया बट इट वॉजेंट सक्सेस. आई मीन आई वॉजेंट एबल टू मूव गो टू बॉम्बे. बट स्टिल 200 पार्टिसिपेंट्स में मैंने 20, टॉप 20, लाइक हाँ टॉप 20 मैंने पोजिशन वहां पर अपनी की. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, मतलब भले ही आई वॉजेंट एबल टू गो टू बॉम्बे, बट देन एटलीस्ट थोड़ा सा, मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिली वहां से. तो खैर उसके बाद एक मैंने लोकल एजेंसी से टाई अप किया बैंगलोर में ही, और छोटे मोटे काम जो साउथ की इंडस्ट्री में होते हैं, मैंने कुछ कुछ साड़ी ऐड किए सुदर्शन सिल्क के ब्रांड के अंदर. तो थोड़ा बहुत यहाँ वहां चलता गया काम. फिर वही था कि जॉब करो और बाकी अपनी शादी करो. तो फिर 2019 में मेरी शादी हुई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में. मैं मूव कर गई इंडिया से, मैं माइग्रेट किया और फिर बस वही एक शादीशुदा जिंदगी मैं लाइक यू नो अपनी स्पेंड कर रही थी. और ऑब्वियसली लाइक यू नो, मूविंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बिकॉज यहाँ पर घर पे लाइक यू नो, एक तो न्यूली मैरिड, न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, सो एवरीथिंग इज न्यू. एंड लाइक यू नो, ऑल दी वेमेन आउट देयर जो माइग्रेट करते हैं, दे कैन रिलेट टू मी, कि वो बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस किस दौर से आप गुजरते हैं और किन लेकिन हालातों से आप गुजर के लाइक यू नो, आप एक साल या फिर 2 साल आपको लगता है एस्टैब्लिश होने में. तो खैर वो भी एक दौर था, एक फेज था, और मतलब जो भी भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप मानते हैं, लाइक यू नो आई बिलीव इन इन गॉड. एंड फिर वही हुआ कि मेरे को ये पता चला मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो होता है राज सूरी, मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंडर मैंने पार्टिसिपेट किया. और मार्च का महीना था 2020, जब पूरी दुनिया पे कोरोना का लाइक यू नो कहर छाया हुआ था. तो खैर उस टाइम पे ये आया था, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया और बस फिर ऑडिशंस हुए और 3-4 राउंड हुए मेरे. एंड आई वॉज लाइक यू नो पार्टिसिपेटिंग इन दैट. खैर उस टाइम भी बहुत ही लाइक यू नो, आई वॉजंट कीपिंग दैट मच होप कि खिताब मुझे मिलेगा, बिकॉज आई वॉज जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट लाइक अ नॉर्मल स्पेंट. और कुल मिला के कुछ 40 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें.
और आई वॉज कीपिंग माई होप रियली लो बिकॉज आई वॉज इन श्योर कि आई मीन वेयर इट विल टेक मी. तो होता है ना जब लाइफ में आप बहुत ही कम उम्मीद रखते हो किसी चीज से, तब आपको भगवान लाइक यू नो ब्लेस देता है. करते. हाँ, जब आप बहुत होपफुल लगते हो कि यार ये हो जाए ये हो जाए, कुछ नहीं होता है. और जब आप बस बैठे हुए हो, हाँ ठीक है देखते हैं, तब खैर मैंने बहुत मेहनत भी की उसके लिए. आई केप मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, अपना कंटेंट क्रिएट किया, तो लगी हुई थी बट रिजल्ट नहीं आ रहा था. लेकिन फिर दिसंबर के महीने में मुझे एक कॉल आया और मैं लाइक यू नो ये न्यू ईयर का छुट्टियां थी और मैं कैंपिंग कर रही थी. और उस टाइम पे फिर राज सूरी सर जो हैं, जो मेरे मेंटर हैं और जो जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने फिर बताया कि आप मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया बन गए. और फिर दैट वाज अ मोमेंट ऑफ लाइफ लाइक दिया. इट वाज लाइक रियली, मतलब वो तो पूरा पलट दिया मेरा जो पूरी जिंदगी का जो वो है. तो इट वाज डेफिनेटली मोमेंट ऑफ प्राइड, मोमेंट ऑफ जॉय. और ये मेरा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सफर रहा मेरा. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग कि आप बचपन से, क्योंकि अब आपकी जो जर्नी है, अगर मैं सम अप करना चाहूँ, जो कि हम लोग मोस्टली साउथ एशियन फीमेल्स वी डू कम अक्रॉस इट, कि हमें अपने माँ बाप को भी खुश करना है, उनके जी जी मुताबिक आपने पढ़ाई सब की, कुछ उन्होंने शादी, क्योंकि वो एपिटोम होता है कि बस बच्चे को पढ़ा दिया लिखा दिया शादी कर दी, आप जो मर्जी करो. जी तो एंड यू फाउंड अ वेरी वंडरफुल लाइफ पार्टनर हु हैज सपोर्टेड यू. सपोर्टेड मी या बिकॉज एग्जैक्टली लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दो गाड़ी के कहते हैं पहिए होते हैं, तो अगर जी कोऑर्डिनेशन में हो तो ऑफकोर्स लाइक गुड थिंग्स लाइक दिस, लाइक यू नो यू बीइंग मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020, ये जी आपकी मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत है, लेकिन ऑफकोर्स लाइक आप जी जब आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं जी और आपको गुड मेंटोर्स मिलते हैं तो यू डू अचीव एक्सेलेंस. आपने यू नो वी जस्ट डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अर्लियर दैट यू जी लाइक टू सिंग, सो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि ठीक है हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन अगर आप हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दें तो हम जरा खुश हो जाएंगे बेचारे. जी नहीं बिल्कुल जिया. मेरा ये एक्चुअली ऑडिशन में भी एक लाइक यू नो टैलेंट राउंड होता है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत अपनी जो बेसुरी आवाज है उसमें गुनगुनाया था. तो लेकिन यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव टू थिंग्स अबाउट पाकिस्तान. आई मीन आई लव द होल कंट्री. आई आई वॉन्ट टू विजिट पर्सनली. आई टोल्ड माई हस्बैंड ऑल्सो कि यार चलते हैं. बड़ा डिफरेंट सा मुझे फील आता है वहां का. और मुझे वहां खाना पहले बहुत पसंद है और दूसरा वहां के सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं. या दैट्स ट्रू. तो एक गाना है थोड़ा सैड है, नूर जहां का, मैडम नूर जहां, मैडम नूर मुझसे जहां, पहली सी मोहब्बत ओह मेरी या क्लासिक क्लासिक ये, मोहब्बत. वाह अन्नू जी, आई वाज थिंकिंग अली जफर, छन्नो की आंख में और सिमथिला, दैट नॉट दैट दोस आर बैड सॉन्ग्स, बट यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट लाइक नई जनरेशन, बट यू हैव चोजन लाइक अ क्लासिक क्लासिक, क्लासिक. या वाओ, या सो वी वुड लव टू तो हियर. यस आई मीन मैडम नूरजहान, लाइक यू नो सॉरी कि मैं इस सॉन्ग को मैंने चूज किया और मैं बहुत ही बेसुरा, मतलब मेरी नो आवाज कोई बहुत ट्रेंड नहीं है. आई एम जस्ट दैट्स लाइक अ बाथरूम ओके सिंगर. दैट्स ओके, बट देन इट्स अ यस आई ट्रिब्यूट विल टू सिंग हर. यप अट्रिब्यूट टू हर. या ओके 3 2 1 स्टार्ट. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मैंने समझा था कि तू है तो दरअसल है हवा, तेरा गम है तो गमे गम का मैं ना क्या. यू कैन ऑल्सो तेरी सूरत से है. आई एम मेरी मिसिंग द लिरिक्स सॉरी. निगाहों में समथिंग लाइक दैट. या ओके मे बी आई सिंग अ हिंदी सॉन्ग व्हिच आई प्रोबब्ली रिमेंबर. सॉरी बिकॉज इट्स अ ओके सो आई सिंग अ सॉन्ग मेरा ये समा समा है प्यार का. ये समा ये प्यार ये प्यार का का किसी के इंतजार का, दिल ना चुराए चुराने मेरा मेरा मौसम बहार का. वाओ ये समा ऑसम. सो अनु ऑसम टू बी अलोंगसाइड टू मी, वी ग्रो अप लिसनिंग टू दीज सॉन्ग्स, सो या दैट वाज अ वंडरफुल ट्रीट.
कोर्स हम लोग कहने को ज्योग्राफीज हैव डिवाइडेड अस, लेकिन हमारा कल्चर, हमारा फूड, हमारा फूड लाइक इन एवरीथिंग इज म्यूजिक, या टेस्ट इन म्यूजिक, इट्स सेम एंड आई कैन रिलेट विद दैट. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आई लाइक इट बिकॉज व्हेन यू राइज अबव दीज थिंग्स जी और आप एज इंसान दूसरे को, बंदे को समझते हो, तो यू हैव जी जस्ट शोन दैट एक साल के अंदर यू कैन कम सो मेनी ऑब्स्टेकल्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, देन मूविंग विद इन इंडिया, देन गेटिंग यस मैरिड. वो जो बहुत वैसे बहुत बड़ी चेंज होती है. एंड देन यू केप्ट ऑन इम्प्रूविंग और आपके पैशन ने आपको मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टाइटल आप यू हैव गेन्ड इट माशाल्लाह. सो व्हाट नेक्स्ट, लाइक अब इससे आगे आप लाइक वुड यू लाइक टू गो टू लाइक ट्रेडिशनल जॉब और यू वुड लाइक टू इनकरेज और बी पार्ट ऑफ दिस यू नो ऑन गोइंग प्रोसेस, और मेरे ख्याल कुछ और भी रिलेटेड होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, सो यू आर इनकरेज मोर टू पार्टिसिपेट इन दैट. जी बिल्कुल जिया, तो है क्या अभी कि फिलहाल तो मेरी जॉब है जो मुझे कंटिन्यू करनी ही है, क्योंकि लाइक यू नो दैट आई मीन देखते हैं अभी क्या होता है. मेरी जो लाइक यू नो रियली मेरी जो तमन्ना है कि जैसे मैंने जो स्ट्रगल किया है यहाँ पर एक साल आके, अगर मुझे मौका मिले लाइक यू नो मैं काफी नेटवर्क मेरा है यहाँ पर लाइक यू नो जो इंडियन कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो हमारी साउथ एशियन हाँ कम्युनिटी जी है, तो वहां मैं लाइक यू नो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करूँ. अभी मैंने कुछ कुछ इवेंट्स में ऑलरेडी अपना, जैसे कि जो लोहड़ी फेस्टिवल होता है पंजाबी का, तो ओके, वो मैं जाऊंगी लाइक यू नो आई वुड वांट टू बसंत नेटवर्क काइंड देयर. ऑफ थिंग. जी या इंडिया में इसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम से हाँ, हर हर जब स्टेट वो में फसल जी को करते हैं, कटअप करते हैं. जो फसल उनकी उगती या है मकर या संक्रांति, यप यप तो वो इवेंट में मैं मतलब जाऊंगी. अभी एक हमारी है मतलब जो इंडियन विमेन कम्युनिटी यहाँ पर आहा जो ऑर्गेनाइज करती हैं, आहा तो ऐसी इवेंट्स में जाके लाइक नो आई वांट टू मीट जितनी भी वहां पर जितनी भी औरतें हैं, और अगर लाइक नो जो भी स्ट्रगल कर रही हैं जॉब के लिए, तो आई कांट गारंटी कि मैं उनको जॉब दिलवा ही दिलवा दूंगी, बट अगर जितना मेरी नेटवर्क से पॉसिबल हो सकता हाँ है रेफर देम कि भाई, हाँ क्योंकि होता क्या है ना कि जब जॉब इंसान के पास होती है वो एक अपने, वो एक मतलब यू नो एक एक सेल्फ सफिशिएंट चीज है, बिकॉज ट्रू. आप बिजी रहते हो तो आपके या दिमाग से लाइक यू नो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाते हैं, आपका एक हम्म, डेली का स्केड्यूल हो जाता है, प्लस आपके हाथ में पैसे आते हैं, जो वो बहुत बड़ी एक आई मीन खुद में एक प्लस पावर है, पॉइंट एक होता है फाइनेंशियल प्लस पॉइंट है. इंडिपेंडेंस. बिल्कुल बहुत जरूरी है कि वो मतलब जो भी यहाँ, और बहुत सारी जो औरतें हैं मतलब अनफॉर्चुनेटली एक तो उनको घर से थोड़ा बहुत लाइक यू नो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और सेकेंड ये है काफी अंडरपेड जॉब्स भी होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली दे लैंड अप डूइंग दैट, जो काफी मेहनत काफी लॉन्ग आवर्स हैं बट उतने पे नहीं होते. हाँ मैंने भी किए हैं वो जॉब्स लाइक यू नो, तो आई डोंट वांट लाइक यू नो पीपल टू बी सफरिंग इन द सेम डायरेक्शन. और ये तो एक चीज हो गई जो मैं करना चाहती हूँ, पता नहीं कितना कर पाऊंगी, हालांकि कोशिश मेरी बिल्कुल रहेगी कि इस मसले को मैं मतलब यू नो सॉल्व कर सकूं. दूसरी चीज ये है कि ये जो मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का खिताब मिला है, अगले साल अक्टूबर में बॉम्बे में लाइक यू नो दे विल हैव मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन, तो वहां मुझे पार्टिसिपेट करना है, और जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मिसेज इंडिया आएंगे, से मिसेज इंडिया हो गई, तो मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई है, मिसेज इंडिया ओके कनाडा आ गई, तो वहां पर वो उन सभी औरतों का एक कंपटीशन होगा, और जो जीतेंगी उनको बोलेंगे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड. ओके वाह, तो उसके लिए भी एक प्रिपरेशन करनी है मुझे, ओके अपना सब कुछ लाइक यू नो जो भी प्रिपरेशन है, और बिल्कुल जो राजसूरी है हमारे मेंटर वो हमें गाइड भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, तो यस दैट इज माय लाइक यू नो टू लिटिल गोल्स एज ऑफ नाउ. या दैट्स गुड, बिकॉज यू नॉट ओनली कि आपने जो सफर किया है, यू वॉन्ट टू मेक इट बेटर फॉर द पीपल हु आर कमिंग. बेटर या यू जी वॉन्ट टू बी अ गुड मेंटर फॉर टू देम सो दैट दे डो नॉट जी सफर, और अपनी पढ़ाई के मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक दे शुड बी एबल टू गेट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद गुड पेइंग जॉब्स दैट पे देयर जी बिल्स एंड सेटिस्फेक्शन, और बिजी रहने के अलावा बिजी दे आर रहने के एक्चुअली अलावा मेकिंग समथिंग. जी दैट्स अ वेरी गुड, एंड आई एम श्योर दैट यू नो यू आर वेरी कंसिस्टेंट पर्सन, वेरी पैशनेट पर्सन. और मुझे नजर आ रहा है कि यू नो यू विल बी रनिंग एंड यू विल इंशाल्लाह बी विनिंग दिस कॉम्पिटिशन. और जी आपके लिए हम यही उम्मीद करते हैं और दुआएं करते हैं कि आप होपफुली यू नो जो आप कंक्रीट करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, दिस ओवरसीइंग पावर हु इज सीइंग ऑल ऑफ अस, वो थैंक आपकी यू हेल्प करे. और यू हैव कम दिस फार, आई मीन बिलीव मी, ये आपकी मेहनत है
और यू आर जस्ट लाइक बीइंग वेरी हम्बल. लेकिन जैसे आपने मेंशन किया, यू ज्वाइंड अ जिम और आप काफी साल से छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे थे टुवर्ड्स लगी दिस. हुई थी मैं. तो या यू आर लगे हुए थे आप. सो अब दिस वन बिग स्टेप एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस एज अ प्लेटफॉर्म टू अपलिफ्ट अदर वुमेन. जी सो ये बहुत अच्छा एक टारगेट है जो आपने, होपफुली यू आर गोइंग टू अचीव. एंड you like you keep mentioning your mentor, so you know like all of us we need a good mentor, like chahe hum kahin se move hokar aaye ho, chahe we are living within the same country, but the presence of a good mentor who guides you or and you yourself want to be one, so that's a wonderful and amazing thing. Aur anu koi ye baat ho gayi, ab miss india australia ko hum ye to nahi kahenge ki aap pakore samosa banati hain ya, lekin kyunki main wo banati hu main abhi jaake banana. ओके, लाइक सेम हियर. सो मतलब यही होता है कि जब आप एक बाहर के मुल्क में आते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में आपको हर चीज रेडिली अवेलेबल होती है, बट व्हेन यू कम टू दीज कंट्रीज आपको सीखना पड़ता है. बिकॉज लाइक बिग सिटीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आई डू रिकॉल कि यू नो कमिंग फ्रॉम एन यू नो, ऐसा आपने बताया एमबीए, तो मैं भी एमबीए करके आई थी, तो थोड़ी जरा शान होती है कि यू नो वी हैड दिस एंड वी हैड दैट, और हम इससे अबव और बियॉन्ड है. हमने तो कभी चमचा भी नहीं लाया था, हमें तो अंडा बॉइल करना आता है. शुरू शुरू में माय हस्बैंड ही यूज्ड टू बी सो कोऑपरेटिव, मैं कई दफा खाना जला दिया करती थी, मुझे उन्होंने सिखाया, सो यूट्यूब वीडियोस इतनी नहीं थी, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माय ओन लाइफस्टाइल विद जिया, और जहां पर मैं हर वीकेंड अपना एक लाइव शो करती हूं 15 मिनट्स का ऑन संडेस. सो टाइम मिले देखिएगा, उसमें ग्लूटेन फ्री. बिल्कुल यूट्यूब पे हैं आप? मतलब यूट्यूब पे, या या आई एम कमिंग ओवर देयर टू, लाइक बट फॉर नाउ इट्स जस्ट ऑन फेसबुक. सो आई एम लाइक डेवलपिंग माय ओन फेसबुक पेज, एंड आई एम लाइक यू मेंशनड बेबी स्टेप्स ईबुक की तरफ भी जा रही हूं, because people ask for that. So so how do you balance that with na glamorous like Miss India Australia ko jab main aapka dekh rahi hu with your you know taj on your crown, and then you have to put the crown on the side and go back to do handi chula, so like how do you transition? Kya zen mein aata hai jab ghar aate ho? I think wo to matlab you know ek jaise ki aajkal lockdown mein nahi, sale se sare celebrities ko agar aap dekhen to sare wo apne videos dal rahe hain, Katrina Kaif bhi bartan aur भांडे धुल रही है, तो वो तो एक मतलब लाइक होता नहीं कि सोशल मीडिया साइड होता है जो आप देखते हैं और एक जो होता है जो आप ऑब्वियसली नहीं दिखाते हैं. तो वही जो पार्ट है जो ये पूरा अवतार जब गिरेगा और जब सलवार सूट दुपट्टे में इंसान आके जो अपने भांडे, जैसे आपने पहले मेंशन किया था लाइक ये गाड़ी के दो पहिए जो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी. आई मीन यू कांट बी लाइक ओह माय गॉड लाइक यू नो यू आई एम मिस्ड ऑस्ट्रेलिया 2020 ऑस्ट्रेलिया नाउ एंड I'm beyond these things, above these things. वो तो मतलब नहीं हो पाएगा, because वो किचन में भी आपको मतलब बिल्कुल सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का, हालांकि he makes better food than me. But वो like you know you have to support each other in that. That's true. So क्या चीज़ है जो आप अच्छी बनाती हैं? I mean you are a good singer, you have achieved so much in your life, you work out, or after being Miss India Australia 2020 another you know feather has been added to your cap, so like koi aisi cheez jo aapke husband ko bahut pasand ho, aapke haath ki bani, aapke parents ko pasand hai, woh nahi se puchti, so maybe next time. Because main bolungi ki wo bolega nahi, koi baat nahi, aap keh dijiye abhi wo yahan pe nahi hai. Aapko kya lagta hai? Mutton acha banati hu, mutton curry acha banati hu, because that's what he asked for every time, so okay. I think जो टेक होम मैसेज मेरे ख्याल है आप हमें देना चाह रही है कि यू नो बी एन ऑलराउंडेड पर्सन एंड बी गुड इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि उन दोनों का बैलेंस जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल हेल्दी पर्सन, चाहे वो खातून हो चाहे वो बंदा हो, एंड यू आर ट्राइंग टू अचीव दैट, और ये बहुत अच्छी बात है. सो अनु आप कोई मैसेज देना चाहेंगी फॉर गर्ल्स हु आर इन योर बोट और समबडी हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन, या जो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो कि नए नए फ्रॉम अनदर कंट्री दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट टू अनदर कंट्री, डिफरेंट कल्चर, जुबान डिफरेंट है, आप उनको क्या लाइक दो या तीन अगर सेंटेंसेस में हम कहें तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहली बात तो यही है कि लाइक यू नो देयर इज ओनली वन स्टेप टुवर्ड्स एवरीथिंग लाइक व्हिच आई बिलीव. लगता है कि लाइक यू नो वो स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल बात है, लगता है कि अरे कौन करेगा, छोड़ो ना लाइक यू नो लीव इट,
लेकिन वो मैं जब छोटी थी ना, लोग मुझे पागल ही बोलते थे कि ये पागल है क्या कर रही है बैठ के। और अभी भी लोग बोलते हैं तुम क्या करती रहती हो, ये भी करी। तो वो होता है कि मतलब आपको बस वो एक स्टेप लेना है, लाइक यू नो आई थिंक आप भी रिलेट कर सकते हो कि वो एक स्टेप ही बड़ा मुश्किल होता है, छोटा सा स्टेप होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं यूट्यूब यूट्यूब, लेकिन वो बनता कैसे है, वो एक छोटे से वीडियो से बनता है, फिर आप बनाते जाते हो वीडियो वीडियो वीडियो, तो उस तरह से फिर आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जो भी मतलब एग्जाम्पल है। तो आई थिंक वो एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, अगर आपको मिस इंडिया बनना है या फिर आपको एक एग्जाम पास कर मतलब नेशनल लेवल कंपटीशन निकालना है, कुछ भी जो भी है एक स्टेप आपको लेना है, और फिर चीजें आसान होती रहती हैं, फिर आप यूज हो जाते हो उन चीजों के। तो वही एक मैसेज है कि बस वो एक स्टेप लो, और हालांकि हर चीज का बैलेंस जरूरी है। आई मीन आपके मेंटल वेलबींग हो गया, आपके फिजिकल वेलबींग हो गई, घर आपका मतलब सब कोई आपसे मतलब सब कोई तो खुश नहीं रह पाएगा, बट जो मेन लोग हैं आपके माँ बाप हस्बैंड वो आपसे खुश रहे हैं, और फिर आप बस मतलब वही करते रहो चीजें, कोशिश करते रहो तो हो कोशिश जाएंगी। करते रहो. सो योर टेक होम मैसेजेस, जिस तरह आपने बोला कि बिलीव इन योर सेल्फ, और अगर कोई बिलीव आपको इन लोग योरसेल्फ। आपका मजाक भी उड़ाएं और आपको भी करें, लेकिन आप अपने, जिस तरह आपने भी प्रूव किया है कि जी आपका अपना पैशन था, लेकिन कुछ लोग जो अंडरस्टैंड नहीं करते उनके हिसाब से तो जैसे पता पागल ही लगेंगे. ये तो मोस्टली जो पागल लोग कुछ ना कुछ है। करते हैं, अचीव करते हैं दुनिया में, उनको जो लोग उनको नहीं समझ पाते हैं. तो बट यू हैव प्रूवन थ्रू योर ओन सक्सेस कि जी वट एवर यू पुट योर माइंड टू, आप वो अचीव कर सकते हैं. और यू एब्सोल्युटली जी राइट कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते. वी कैन नॉट प्लीज कोशिश एवरीबडी, बहुत जरूरी है, जी हर किसी बहुत को जरूरी है कि आप कोशिश, हाँ, कोशिश और तो हर करते कोई हैं, लेकिन खुश हर कोई नहीं खुश रहता। नहीं हो सकता. बट यू नो तो वही बात है कि दैट्स देयर आपके जो प्रॉब्लम. ट्रॉल्स हैं वही आपको फेमस बनाता है, लाइक यू नो जब हर कोई आपको अप्रिशिएट करे तो आप फेमस बनते नहीं हो, तो कुछ लोग फिर आपको बोलेंगे कि अरे ये क्या कर रही है, या फिर लाइक यू नो ट्रोलर्स भी जरूरी है, हेटर्स भी जरूरी ओके है। दैट्स इंटरेस्टिंग. या प्रॉब्ली यू आर राइट कि इनकरेजमेंट के अलावा, गुड मेंटर्स के अलावा, यू वी नीड दोस ट्रोल्स एंड दोस हेटर्स हु से नो यू कांट डू इट, एंड देन यू वर्क हार्ड यस टू से लाइक देखो मैंने कर लिया, आई हैव अचीव्ड हाँ वो दिखा, जी इट. या यू आर राइट, ये भी मोटिवेशन होती है, एड्रेनल लेवल रश आता है कि आई बिल्कुल, एम गोइंग टू डू दिखाना इट, है इनको, दिखाना दिखाना है। है, करके दिखाना है, अच्छा करके दिखाना है. सो दैट इज जी ऑसम अनु. सो मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू आपने जिया, हमें थैंक यू टाइम सो दिया, और मच। आपने अपने गानों से हमें एंटरटेन किया. मैडम नूरजहान को ट्रिब्यूट दिया, और हमारे फेवरेट गानों को, लाइक ये समा, ब्यूटिफुल सॉन्ग, जी इट्स ब्यूटिफुल. ब्यूटीफुल, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टेक होम मैसेज कि मेहनत करते रहें, टेक इट स्टेप बाय स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप लाइक अनु सेज, एंड देन थिंग्स बिकम इजी. सो थैंक यू, विद थैंक यू। दैट माय डियर व्यूअर्स, आई विल टेक लीव ऑफ यू. नेक्स्ट टाइम वील मीट विद अनदर गेस्ट और चैट विद जिया. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू अनु, बाय थैंक यू एवरीवन. जिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग, थैंक यप, यू, बाय. बाय।